बरेली के एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को एनडीपीएस एक्ट में काफी समय से वंचित आरोपी शानू उर्फ सोनू कालिया के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए उससे बातचीत करने का आरोप में सस्पेंड किया है। बरेली में एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मियों को अपराधी से साठगांठ करने व कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कदाचार समेत अनेक आरोपों में मंगलवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सस्पेंड होने वाले पुलिसकर्मी शेरगढ़, सीबीगंज और हाफिजगंज थाने में तैनात थे। बरेली के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि पुलिस और अपराधियों के बीच गठजोड़ का खुलासा होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी धुले सुशील चंद्रभान ने फतेहगंज पश्चिमी के प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर और आधा दर्जन सिपाहियों को मंगलवार सुबह निलंबित कर दिया गया। अग्रवाल ने बताया कि एसएसपी ने मनोज कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना फतेहगंज पश्चिमी को एनडीपीएस एक्ट में काफी समय से वांछित आरोपी शानू उर्फ सोनू कालिया के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए उससे बातचीत करता था। आरोपी के संपर्क में थे पुलिसकर्मी। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को गिरफ्तारी में विलंब होने समेत अपने दायित्वों के विपरीत कार्य कर कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वच्छतारिता एवं कदाचार के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अग्रवाल ने बताया कि एक वायरल वीडियो में थाना फरीदपुर के 2021 कंप्यूटर ऑपरेटर हरीश को एक व्यक्ति से रुपए लेते पाए जाने पर एसएसपी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा एसओजी के मुख्य आरक्षी अनिल कुमार प्रेमी, थाना शेरगढ़ के मुख्य आरसी बाबर सीबीगंज में तैनात आरसी दिलदार व मुनव्वर आलम एवं हाफिजगंज में तैनात आरक्षी हर्ष चौधरी को भी सोनू कालिया के संपर्क में रहने और उसकी गिरफ्तारी में विलंब करने के आरोप में निलंबित किया गया। आरोपी शानू उर्फ सोनू कालिया के खिलाफ मीरगंज फतेहगंज थाने में 2021 और 2022 में एनडीपीसीएस एक्ट समेत धाराओं के मामले दर्ज और उसकी काफी समय से तलाश है।